नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। एक तरफ बिहार सरकार और तमाम पार्टी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है और दूसरी तरफ बिहार में धरना देने का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसी कड़ी में आज पंचायत वार्ड सचिव धरने पर बैठ गए हैं और धरना बस वही मांग है, वेतन मान बढ़ाने की मांग है और जो उनका पद है उसे अस्थायी करने की मांग है। तो आइए इनसे जानते हैं कि 9 महीने से ये लोग लगातार धरने पर बैठे हैं लेकिन फिर भी सरकार इनकी मांगों को नहीं सुन रही है। क्या कहेंगी मैम, इतने धूप में आपको बैठना पड़ रहा है? हम लोग यही इतना दिन से, हम लोग 300 दिन हो गया, अब हम लोग का बात को सरकार नहीं सुन रही है। आज हम लोग धरना भी दिए, जितना जो है नल जल वाला काम हम लोग करवाएं, पक्कीकरण कराएं, लेकिन हमको छोटा सा मांग है सरकार से कि जो 13/72/1916 लेटर को निरस्त करते हुए हम लोग को काम किए हैं अनुभव के अनुसार वह हम लोग को रखा जाए और हम लोग अपने अपने पंचायत में, प्रखंड में, जिला में हम लोग कार्यरत रहे हैं। 9 महीने में नीतीश कुमार क्यों नहीं सुन रहे आप लोगों की बात? अरे नीतीश सरकार एकदम बिल्कुल बहिरा है, गूंगे हैं, अंधा है, उनको कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। क्या कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या वार्ड सचिव हम लोग बहना लोग हम लोग बेटी नहीं है? उनको नजर में क्या आता है? हम लोग बेटी नहीं है, हम लोग पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? कहाँ से आई है? हम आए हैं औरंगाबाद जिला से। औरंगाबाद से आई है? मेरा नाम है शांति देवी, जिला अध्यक्ष। अच्छा, घर में कौन कौन है आपके? बेटी है, बेटी है, पति है, सास है, ससुर है। अच्छा, सबको छोड़कर आप धरने पर आई है तो उनको दिक्कत नहीं हो रही है? नहीं, क्यों दिक्कत, अपना हक लेने के लिए आए तो दिक्कत क्यों होगा? सरकार को ये चीज बोलेंगी ना, अगर उनका परिवार धरने पर होता तो क्या वो अभी तक डिसीजन नहीं लेते, उनको हक नहीं देते? अब तो ये तो पता नहीं, लेकिन अपना हक लेने के यहाँ मौजूद रहेंगे हर समय। जब तक नहीं अपना हक देंगे तब तक यहाँ से धरना पर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जो सरकार में बैठे हैं उनकी घर की महिलाएं इस तरीके से धरने पर बैठे रहती तो उनकी मांग नहीं मानते? उनको तो मांग मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इतना दिन से काम किए हैं तो हम लोग को, मतलब काम हम लोग को इतना दिन से किए, हम लोग को काम उनको पूरा करना पड़ेगा। आप लोग 9 महीने से धरना दे रहे फिर भी सरकार नहीं सुन रही आप लोगों की बात, क्या लगता है सरकार की क्या मंशा है? 9 महीना तक हो गया, सरकार क्या कर रही है? तो सरकार, जैसा कि आज कैबिनेट की बैठक है, हमें आशा ही नहीं बल्कि उम्मीद भी है और भरोसा भी है अपने गार्जियन पर कि ऐसा कोई गार्जियन नहीं होगा जो अपने बच्चे को रोड पर भटकता हुआ देखेगा, क्योंकि उनके सर पर 2024 की बहुत बड़ी समस्या है। और समस्या को देखते हुए, जैसे पिछले संविदा कर्मी को जो सारा मांग पूरा किया है, उसी प्रकार से आज भी हम लोगों को एकजुटता देखने के बाद हम लोगों का भी विजय जरूर होगा, हम लोगों का भी मांग पूरा होगा। सरकार चुनाव को लेकर बाध्य है आपकी मांग मांगने को? जी बिल्कुल, चुनाव को लेकर सरकार को अगर कोई डर है वो वोट का डर है, बाकी किसी दुनिया का कोई भी ताकत का डर नहीं। बाकी जनता से का मतलब? कुछ जनता के ही हाथ में वोट है और पैसा और पैरवी से नहीं, केवल वो वोटों से डरते हैं। अच्छा, बिहार में तो सब बोला जाता है कि पैसा देकर सब वोट ले लेते हैं, तो क्या आपको 500 रुपए दे दिया जाएगा तो आप भूल जाएंगे अपनी मांग? ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, चूंकि लीगल राइट है हमारा और कानूनन अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि जितने भी संविदा कर्मी है, तो हम लोग संविदा कर्मी के अंतर्गत आते हैं, तो सारे संविदा कर्मी को नियमित करें और उनको वेतन मान दें। और हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हमारे गार्जियन इस काम को अंजाम दिए हैं और बहुत जल्द वो देने का काम करेगा। और अगर इस कैबिनेट में इस बात का फैसला नहीं होता है तो फिर आप लोग क्या किसी बड़े पैमाने पे आप लोग आकर धरना देंगे? ऐसा आपका सोच है, लेकिन मेरा सोच है कि ये हमारी जनसंख्या देख करके उनको सारा बात समझ में आ गया, सारा गणित समझ में आ गया, वो जरूर करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे, कल नहीं तो आने वाला कल करेंगे, लेकिन जरूर करेंगे। अच्छा जी, लेकिन ये आपको भरोसा, अभी तो आप बोल रहे थे ना कैबिनेट की बैठक हो रही, कैबिनेट की बैठक में करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे और जरूर करेंगे, नहीं करेंगे तो हम लोगों का जो है प्रयास निरंतर जारी रहेगा। अच्छा, नहीं करेंगे तो आप लोग वोट देंगे? नहीं करेंगे, वोट पर नहीं जाते हैं, बाकी उनको सारा गणित समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लोगों का जनसंख्या 114,690 है, अगर 5 का भी खेला बिगड़ जाएगा तो समझ जाएगा। जनसंख्या तो नियोजित शिक्षकों का भी था, फिर उनका जब नहीं हो पाए फिर आपको कैसे उम्मीद है? उनका देख लीजिए, हम लोग बिहार गजट से आते हैं और गजट जो है राज्यपाल महोदय का अंदर आते हैं, उनके द्वारा जारी किया गया है, तो गजट का अवहेलना करना अर्थात सरकार का
और राज्यपाल का अवहेलना होता है, ये नहीं कर पाएगा, हम लोगों का काम जरूर करेंगे। 9 महीने से आप लोग धरने पर है फिर भी सरकार नहीं सुन रही, क्या कहिए? देखिए 9 महीना से हम लोग जरूर हैं, अभी तक संविदा कर्मियों का भला किसी का नहीं हुआ था। अभी हाल में टोला सेवक तालमी मरकज विकास मित्र को वेतन मान दिया गया है, और जो संविदा कर्मी बचे हुए हैं सारे ऑफिशियल, तो उनको भी बाकी है, तो उनका जब होगा तो हम लोगों का भी निश्चित होगा, और 30,000 से 45,000 के बीच हम लोग भी रहेंगे निश्चित रूप से। अगर सरकार आप लोग की मांग नहीं सुनती है तो क्या वोट देंगे चुनाव में? निश्चित रूप से अगर सरकार हम लोगों की मांग नहीं सुनती है तो गद्दी से उतारने का काम करेंगे, गद्दी से उतारने का काम करेंगे, 24 में भी और 25 में ऐसा उतारेंगे जो फिर पलटने का नाम नहीं होगा। तो उतारेंगे तो फिर लाएंगे किसको? उसके बाद जो सरकार अच्छा काम करेगी, जो हम लोगों का काम करेगी उसके साथ हम लोग, वो तो लाने के बाद पता चलेगा ना, वो तो 5 साल तक पता चलेगा। तो आप लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि सरकार अच्छा काम करेगी? इनके विपक्ष में हम लोग मतदान करेंगे चाहे जो भी आए, इनके विपक्ष में मतदान हम लोगों का जाएगा, ये पक्का है कि हम लोग इनके विपक्ष में मतदान करेंगे। लेकिन हम लोगों को आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम लोग 7 निश्चय पार्ट 2 रह रहा है, तो वार्ड सचिव की आवश्यकता है सरकार को, तो जब आवश्यकता है हम पहले से कार्यरत है, तो मेरा हक बनता है, मुझे लाना पड़ेगा। देख सकते हैं किस तरीके से पंचायत वार्ड सचिव के जो भी लोग बैठे धरने पर, उनकी बस एक ही मांग है कि उनका वेतनमान बढ़ाया जाए, कुशलता के आधार पर जो है इनको स्थायी कर दिया जाए। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे बिहार संवाददाता। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं साक्षी।